ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं तान्या सिंह। सनातनी हिंदू द्वारा हिंदू नव वर्ष काफी धूमधाम से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सनातन संस्कृति से हमारे बच्चे भी जुड़ सके, इसे लेकर अग्रोहा विकास ट्रस्ट महिला संगठन अशोक विहार की ओर से चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन महाराजा अग्रसेन भवन में किया गया। प्रतियोगिता की थीम हिंदू नव वर्ष था, जिसमें बच्चों ने कई बेहतरीन पेंटिंग्स बनाई। अग्रोहा विकास ट्रस्ट के महिला संगठन की ओर से आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता में तकरीबन 600 से अधिक बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया और प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। हिंदू नव वर्ष के थीम पर बच्चों ने एक से बढ़कर एक पेंटिंग बनाई। बच्चों ने प्रभु श्री राम के अलावा अन्य पेंटिंग्स के जरिए हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान अनिल गुप्ता घी वाले पहुंचे। वहीं वशिष्ठ अतिथि के तौर पर फेडरेशन ऑफ अशोक विहार के डायरेक्टर HC गुप्ता, निगम पार्षद पूनम भारद्वाज, पूर्व निगम पार्षद सुरेश भारद्वाज, प्रमोद कोहली, योगेश गोयल के साथ साथ अन्य गणमान्य अतिथियों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं बच्चों ने मंच से भक्ति गीत गाकर सबको मंत्र मुग्ध कर दिया। विकास ट्रस्ट की ओर से लगातार ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेते हैं। इस बार कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान अनिल गुप्ता ने इस कार्यक्रम की तारीफ की और अपनी ओर से संस्था को सहयोग राशि के तौर पर 21,000 भी दिए। उन्होंने कहा कि वह इस संस्था के सहयोग के लिए लगातार तत्पर है। इतना सुंदर प्रोग्राम जो आपने पिछले एक महीने से आप और आपके पीछे डॉक्टर HC गुप्ता जी जो पर्दे के पीछे रह के जो काम करते हैं, जो मुझे मालूम पड़ा कि 600 एंट्री के बाद आपने MPR रोक दी है, तो शायद दिल्ली में पहला प्रोग्राम है जो 600 बच्चों को इतनी जल्दी इकट्ठा करके और एक जगह पे नीचे और ऊपर। और मैं डॉक्टर मंजू को कह रहा था, मैं तो जरूरत पड़ेगी तो ऊपर के जितने कमरे सब खुलवा देंगे, आप बच्चों की एंट्री मत रोको। देश भर में सनातन संस्कृति को बढ़ाने को लेकर कई कार्यक्रम हो रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में बच्चों के बीच सनातन संस्कृति से जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम चर्चा का विषय बना हुआ है। इस प्रतियोगिता में न सिर्फ अशोक विहार बल्कि आसपास के कई इलाकों के बच्चे और उनके अभिभावक भी शामिल। कार्यक्रम में पहुंची निगम पार्षद पूनम भारद्वाज ने इस कार्यक्रम के लिए आयोजन समिति को शुभकामनाएं दी। और यहाँ पर उपस्थित सभी प्यारे प्यारे बच्चे और उनके पेरेंट्स, आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी मंजू आंटी को कि इतना अच्छा प्रोग्राम करा है, क्योंकि बच्चों के चेहरे पे एक अलग ही खुशी नजर आ रही, क्योंकि इसमें एक बच्ची मेरी भी है जो पिछले 15 दिन से बोल रही है, मम्मी 31 तारीख को लास्ट डेट है, प्लीज आप रजिस्ट्रेशन कर दो, नहीं तो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों के अंदर ये इतना एक्साइटमेंट देखने का मिल रहा है, क्योंकि बच्चों को एक छोटी छोटी चीजें चाहिए, ऐसा सारा ग्रुप आपने इकट्ठा करा है, बच्चों के चेहरे पे खुशी लाए हो, इसके लिए आप बधाई के पात्र हो और ऐसे आप प्रोग्राम करते रहिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं एक्सपर्ट ने बच्चों के अभिभावकों को पेरेंटिंग द मॉडर्न जनरेशन पर कई सुझाव दिए।
आजकल की पीढ़ी और युवा पेरेंट्स को अपने बच्चों की देखभाल किस तरीके से करनी चाहिए उनके भी गुण सिखाए गए। साथ ही उनके सामने आने वाले चैलेंजेस पर भी खुलकर बातचीत हुई। जो पहनना, जो कपड़े, जो सोच, जो विचार, जो काम करने के तरीके, वो टोटली अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आज का एक बहुत ही मॉडर्न या मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा एक जो हमें नज़र आता है कपड़े पहनने में, आपने देखा होगा आपके बच्चे, पहले हम लोग पैसा खर्च किया करते थे किस लिए, अपने तन को ढकने के लिए। आजकल बच्चे आपसे पैसा खर्च करवाते हैं वो फटी हुई चीज जो घुटने से फटी होती है उसको पहन के, बच्चा कहता है मैम मम्मी दिस इज इन थिंग, आपको नहीं पता है, आप नहीं जानते हैं, मेरे सब दोस्त ये पहनते हैं। तो आप कहते हैं बेटा ये हार्ड अर्न मनी है और हम इस पैसे को खर्च कर रहे हैं, कम से कम शरीर तो ढके, कम से कम शरीर तो। डॉक्टर एच सी गुप्ता ने बताया कि यह बहुत बड़ी शुरुआत है। आजकल के लोग नहीं जानते कि हमारा हिंदू नव वर्ष कब है। जो पहल संस्था ने की है वो वाकई काबिले तारीफ है। बच्चों को अपने हुनर को प्रदर्शित करने का मंच भी मिला। देखिए मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है। हमें नहीं पता कि हिंदुओं का नव वर्ष कौन सा होता है, हम विक्रमी संवत को नहीं जानते, हम तो 1 जनवरी को ही जानते थे। तो अग्रवा विकास ट्रस्ट ने जो पहल करी है कि कोई एक बहुत सुंदर कार्यक्रम जिसमें बच्चों को एक अपना प्रदर्शित करने के लिए कला हुनर कितना है उसका मौका दिया, और साथ में ये बताया गया कि हिंदू नववर्ष क्या होता है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी पहल है और मैं इनको साधुवाद देता हूँ, बहुत अच्छा काम उन्होंने करा है। और ये 600 बच्चों की जो रजिस्ट्रेशन हुई है ये एक ऐतिहासिक कीर्तिमान है अशोक विहार का। मैं समझता हूँ पूरी कहीं पर भी इतने बच्चों का पार्टिसिपेशन मैंने कभी नहीं देखा। अग्रोहा विकास ट्रस्ट की महिला संगठन की प्रधान डॉक्टर मंजू गुप्ता ने कहा कि हिंदू नववर्ष के विषय में आज की पीढ़ी को नहीं पता है, उनके अभिभावक भी नहीं जानते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए उनके अंदर हिंदू नववर्ष को लेकर जागरूकता हो, यही उनकी पहल है। पर हिंदू नववर्ष के बारे में आज की पीढ़ी तो बिल्कुल ही नहीं जानती, और इससे पहले वाली पीढ़ी भी more than 50% लोगों को नहीं मालूम कि हिंदू नववर्ष क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो एक यही सोच रख करके कि बच्चों में जागृति पैदा हो, हिंदू नववर्ष का टाइटल जब प्रोग्राम पे होगा तो वो सोचेंगे कि ये क्या होता है, कुछ गूगल पे नॉलेज लेंगे या पेरेंट्स को पूछेंगे, पेरेंट्स भी जानेंगे कि ये क्या होता है। तो एक अपनी सनातन धर्म की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों में बड़ों में जागृति पैदा करने के लिए यह हमारा छोटा सा प्रयास होता है इस माध्यम से कि वो सोचें, ड्राइंग बनाएं और उनको समझ आए कि हिंदू नववर्ष का महत्व क्या है। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों को संस्था की ओर से अंग वस्त्र और तुलसी का पौधा देकर सम्मानित किया गया। वहीं काफी संख्या में इस कार्यक्रम में अभिभावक भी पहुँचे थे। अभिभावकों ने भी इसके लिए संस्था का धन्यवाद दिया। बहुत ही अमेजिंग इनका प्रोग्राम था एंड शी इज थर्ड एंड आई एम सो हैप्पी दैट वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि हमारे बच्चों को यू नो पार्टिसिपेट करने का मौका मिला एंड I'm very happy. देश में सनातन संस्कृति और हिंदुत्व को लेकर जो बयार है उसे अब राजधानी दिल्ली में कई कार्यक्रमों के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। अग्रोहा वेलफेयर सोसाइटी ने भी हिंदुत्व को आगे रख ऐसे कार्यक्रम किया ताकि सनातन संस्कृति का प्रचार हो सके। कैमरा पर्सन कमल के साथ बॉबी मिश्रा, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।